2024 इलेक्शन रिजल्ट्स विल बी बियॉन्ड बैरियर्स। साथियों, रीशेपिंग इंडिया से बियॉन्ड बैरियर्स तक के भारत के इस सफर ने आने वाले उज्जवल भविष्य की नींव गढ़ दी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नया प्लान, कमजोर प्रदर्शन वाले सांसदों पर भी लगी तलवार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई, वहीं अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी काफी पुराने चेहरों को उतारने से परहेज करेगी। पार्टी के रणनीतिकारों के अनुसार जो नेता 3 या उससे अधिक बार सांसद रह चुके हैं, उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया था। इनमें से ज्यादातर 3 या अधिक बार सांसद का चुनाव जीत चुके थे। साथ ही पार्टी मध्य प्रदेश से भी ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी है। मध्य प्रदेश की 29 संसदीय सीटों में से 5 खाली है। पार्टी ने प्रत्याशियों की तलाश के लिए सर्वे करवाना शुरू कर दिया है। पार्टी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही कई प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। पहली सूची में आकांक्षी सीट यानी हारी या फिर कमजोर लग रही सीट के प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी 3 या उससे अधिक बार के सांसदों को पहले ही विधानसभा चुनाव लड़वा चुकी है। इनमें फंगन सिंह कुलस्ते 6 बार के सांसद हैं, हालांकि वे चुनाव हार गए। प्रहलाद पटेल 5 बार सांसद रहे। जबलपुर से राकेश सिंह और सतना से गणेश सिंह 4-4 बार सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह को राज्य में मंत्री बना दिया गया, वहीं गणेश सिंह विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए, इसलिए उनकी सतना लोकसभा सीट से बीजेपी किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। सांसद के रूप में 3 कार्यकाल पूरा करने वालों में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसी तरह होशंगाबाद से सांसद रहे राव उदय प्रताप सिंह को भी प्रदेश में मंत्री बना दिया गया है। टीकमगढ़ सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और राजगढ़ से रोडमल नागर की दावेदारी पर भी विचार चल रहा है। वीरेंद्र कुमार भी 6 बार सांसद रहे। 3 बार के सांसदों में धार के छतर सिंह दरबार भी हैं। वहीं रोडमल नागर दूसरी बार के सांसद हैं, लेकिन क्षेत्र में उनका विरोध है। वहीं कई सांसद ऐसे हैं जो कमजोर प्रदर्शन के कारण दोबारा टिकट पाने से वंचित रह सकते हैं। जानकारों का कहना है कि इनमें ग्वालियर से विवेक सेजवलकर, सागर से राज बहादुर सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विदिशा से रमाकांत भार्गव, शहडोल से हिमाद्री सिंह, मंदसौर से सुधीर गुप्ता और खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल का नाम हो सकता है। इनकी जगह पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव में युवा और नए चेहरों को अवसर देकर यहां भी पीढ़ी परिवर्तन का संदेश देना चाहती है। इससे पहले बीजेपी ने राज्यसभा के लिए भी ज्यादातर नए चेहरों पर ही दाव लगाया है। जानकारों का कहना है कि नए चेहरों में खास तौर से उन युवाओं को मौका मिल सकता है जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हैं, यानी बीजेपी ने लोकसभा का रण जीतने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और नए चेहरों पर दाव खेलकर सियासी वैतरणी पार करने की जुगत में है। इस तरह की बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।